हाल ही में गौतम बुद्ध नगर में जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ, जिसमें मनोज भाटी अध्यक्ष और ऋषि टाइगर सचिव बने। बात करेंगे ऋषि टाइगर जी से, जो सचिव चुने गए हैं। जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ, उसमें गौतम बुद्ध नगर से मनोज भाटी अध्यक्ष चुने गए हैं और ऋषि टाइगर जी सचिव चुने गए हैं। बात करेंगे ऋषि टाइगर जी से, क्या उनकी प्राथमिकता हैं। मैं ऋषि टाइगर एडवोकेट, मैं सबसे पहले अपने जो युवा अधिवक्ता साथी हैं जिन्होंने मुझे वोट करके यहाँ तक पहुँचाया है, मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जो मेरे सीनियर अधिवक्ता साथी हैं जिनका मुझे इस चुनाव में बहुत भरपूर प्यार मिला, सहयोग मिला, जिनके प्यार सहयोग से मैं सचिव बना हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने सभी जूनियर व सीनियर अधिवक्ता साथियों का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, प्राथमिकताएं क्या होंगी? प्राथमिकताएं हमारी, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी जो यहाँ पर चैम्बर्स की है, जो अपने चैम्बर विहीन अधिवक्ता हैं, जो अपने जूनियर अधिवक्ता साथी हैं, यहाँ 2013 से और अब तक सिर्फ और सिर्फ 2013 में ही शायद एक अलॉटमेंट हुआ था जो चैम्बर्स दिए गए थे, उससे बाद में जो भी अपने अधिवक्ता साथी अब तक आए हैं, ये 8 साल का गैप है, तो किसी को भी चैम्बर अलॉट नहीं किया गया है। तो हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि सभी चैम्बर विहीन अधिवक्ताओं को चैम्बर दिलवाए जाएं। एक साफ सफाई की भी समस्या अपने इसमें कोर्ट कंपाउंड में बनी रहती है, तो उसको भी हमने प्राथमिकता में रखा है, जो साफ सफाई पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा और पूरे कंपाउंड की साफ सफाई कराई जाएगी और एक प्रॉपर तरीका से साफ सफाई होती रहेगी। न्यायालय को देखकर नहीं लगता कि हाईटेक यहाँ पर सुविधाएं हैं, आप उसके लिए क्या प्रयास करोगे? हाईटेक सुविधाएं आप ये ठीक कह रहे हैं, जैसे कि पार्किंग की जो सुविधा है वहाँ पर कुछ है ही नहीं। पार्किंग जो अपने अधिवक्ता हैं वो गाड़ी पार्किंग में पार्किंग फुल हो जाती है तो गाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, तो फिर मजबूरी में रास्ते में ही गाड़ी को छोड़ना पड़ता है, जबकि यहाँ पर बहुत सारी जगह है, उसको ठीक से करा दिया जाए तो गाड़ी वहाँ पर खड़ी हो सकती है। दो बहुत बड़े बड़े पार्क लॉन यहाँ पर अभी खाली ही पड़े हैं, जो कि बिल्कुल पूरी तरह खाली हैं, उनमें यदि मिट्टी डलवा दी जाए और उनको सही तरीके से कर दिया जाए तो वो हमारे पार्किंग में यूज आ सकते हैं।